स्वसहायता समूह की महिलाओं को शासन की योजनाओं से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बालोद जिला पंचायत ने अभिनव पहल की है। समूह की महिलाओं को प्रेरित करने के लिए गांव के सक्रिय महिलाओं की मदद ली जा रही है। इन महिला समूह की महिलाओं को शासन की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरक के तौर पर कार्य कर रही है। प्रेरकों को इसके लिए बकायदा प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। यहाँ इस सभा कक्ष में आज महिला कमांडो सारी उपस्थित हुई हैं। पद्मश्री श्रीमती शमशाद बेगम के नेतृत्व में बालोद जिले में 12,500 महिला कमांडोज काम करती हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनको किसी से कोई उम्मीद नहीं है और ये निस्वार्थ सेवा करती है। इन्होंने नशा मुक्ति के क्षेत्र में, स्वच्छ बालोद बनाने के क्षेत्र में, और अभी जो रिसेंटली हमारा टीकाकरण अभियान चल रहा है उसमें बहुत अच्छा काम किया है। और टोटली मतलब किसी भी तरीके के इनको कोई पैसा नहीं दिया जाता, कोई मानदेय नहीं, फिर भी ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने इनको बुलाया था कि हमारे जो गौठान गोधन न्याय योजना चल रही है और गौठान में भी हम इनका किस तरह से सहयोग ले सकते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को गोबर खरीदने के लिए इनके माध्यम से हम प्रोत्साहित कर सके। और कलेक्टर महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि गोधन न्याय योजना को अधिक से अधिक हम बढ़ावा दें, तो उसमें भी हम इनको शामिल करना चाहते हैं, इसीलिए आज इनके साथ यहाँ पे हमने एक वार्ता रखी। आज की डेट में हमने सभी महिलाओं को स्वसहायता समूह से जोड़ा है, चाहे वो बिहान से हो या महिला कमांडो से, और सभी महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में सभी गौठानों में हमने आजीविका मूलक गतिविधियाँ प्रारंभ की हैं, चाहे वो बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, बटेर पालन हो, या फिर अगरबत्ती निर्माण, साबुन निर्माण, बाड़ी, सब्जी बाड़ी, चारागाह, जो भी जिस भी तरह के काम में इनको इंटरेस्ट है वो इनसे लिया जा रहा है और इनको उसके पर्याप्त उससे इनको आमदनी भी हो रही है।